Hello friends, welcome to GK4 SUCCESS. Today we are going to review the MCQ of 17th of August 2017. Subscribe to GK4 SUCCESS channel for daily current affairs updates. And if you like the video, please like it. And if you want to give a session, please tell me in the comments. Friends, you can also join our Facebook page and Telegram group. And on Facebook and Telegram, video notifications, I will provide other important material. और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर पॉल्यूशन फ्री दिवाली। करेक्ट आंसर इज हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली। पॉल्यूशन फ्री दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली कैंपेन को लॉन्च किया है और इस कैंपेन को लॉन्च किया है एनवायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्टेट रन भारत संचार निगम लिमिटेड अनवील्ड इट्स मोबाइल वैलेट इन पार्टनरशिप विद विच वैलेट टू इनेबल वन टैप बिल पेमेंट फॉर इट्स ओवर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। करेक्ट आंसर इज मोबिक्विक। भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल ने अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स को वन टैप बिल पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मोबिक्विक के साथ मिलकर एक वैलेट को लॉन्च किया है। लक्ष्य सेन हैज क्लिंच्ड द बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज टाइटल। ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। रिसेंटली लक्ष्य सेन ने बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज टाइटल जीता है और लक्ष्य सेन ने डिफीट किया है क्रोएशिया के ज़ोनिमिर डुकिंगजैक को। हु हैज वन द स्पेनिश सुपर कप ऑफ फुटबॉल। करेक्ट आंसर इज रियल मैड्रिड। फुटबॉल का स्पेनिश सुपर कप जीता है रियल मैड्रिड ने और रियल मैड्रिड ने डिफीट किया है बार्सिलोना को। हु इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। करेक्ट आंसर इज एम्मा स्टोन। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है एम्मा स्टोन और एम्मा स्टोन ने टॉप किया है 167 करोड़ रुपीस की अर्निंग के साथ और इस लिस्ट में सेकंड पर है जेनिफर एनिस्टन और थर्ड पर है जेनिफर लॉरेंस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एलिफेंट्स कर्नाटक में हैं और सेकंड पर है असम और थर्ड पर है केरल और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 27,312 एलिफेंट्स हैं। पी आर शेषाद्री इज अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। करेक्ट आंसर इज करूर वैश्य बैंक। रिसेंटली पी आर शेषाद्री एमडी और सीईओ बने हैं करूर वैश्य बैंक के और हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपना फर्स्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर ओपन किया है चेन्नई में और आपको ध्यान रखना है कि करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के करूर में। हु हैज अनाउंस्ड दैट आधार लिंकेज मैंडेटरी फॉर फार्मर्स टू अवेल शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स इन 2017-18। करेक्ट आंसर इज आरबीआई। रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि 2017-18 में शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स लेने के लिए फार्मर्स को आधार कार्ड को लिंक करवाना कंपलसरी है। भक्ति यादव हैज पास्ड अवे रिसेंटली शी वॉज। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर। भक्ति यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस डॉक्टर थी और वो मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थी। हाउ मेनी मेडल्स वन बाय इंडियंस एट वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स इन कैनेडा। करेक्ट आंसर इज 37। रिसेंटली कैनेडा में वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स हुए हैं और इन गेम्स में इंडिया ने टोटल 37 मेडल्स जीते हैं जिनमें 15 गोल्ड 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड डायरेक्ट दिल्ली स्टॉकहोम फ्लाइट विद एन ऑल वुमेन क्रू ऑपरेटिंग द ड्रीम लाइनर
बोइंग 787। करेक्ट आंसर इज एयर इंडिया। रिसेंटली एयर इंडिया ने बोइंग 787 के साथ डायरेक्ट दिल्ली स्टॉकहोम फ्लाइट को लॉन्च किया है और इस फ्लाइट में सभी एम्प्लॉयज वुमेन होंगी। और आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया के सीईओ हैं अश्विनी लोहानी। हु इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट ऑफ 2017 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। करेक्ट आंसर इज सेरेना विलियम्स। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं सेरेना विलियम्स। और आपको ध्यान रखना है कि सेरेना विलियम्स एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। विथ विच कंट्री इंडिया इज प्लानिंग टू सेटअप अ सीईओ फोरम टू बूस्ट द ट्रेड रिलेशंस। करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। ट्रेड रिलेशंस को बूस्टअप करने के लिए इंडिया और मैक्सिको एक सीईओ फोरम को सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी और करेंसी है पेसो। नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच सिटी। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। नॉर्थ ईस्टर्न का कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा दिल्ली में और यह अनाउंसमेंट किया है जितेंद्र सिंह ने। और जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। वॉट अमाउंट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉर डेफिनेटिव 5-year एक्शन प्रोग्राम फॉर द कोस्ट गार्ड टू अवर्ट टेरर अटैक लाइक 26/11। करेक्ट आंसर इज 31,748 करोड़ रुपीस। 26/11 जैसे टेरर अटैक से बचने के लिए कोस्ट गार्ड के लिए डेफिनेटिव 5-year एक्शन प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने रिसेंटली 31,748 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं। विच फंड गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अंडर विच ऑल एजुकेशन सेस विल बी क्रेडिटेड एंड यूटिलाइज्ड फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स इन एजुकेशन सेक्टर। करेक्ट आंसर इज मस्क। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मस्क फंड को अप्रूव किया है और इस फंड में सभी एजुकेशन सेस क्रेडिट किए जाएंगे और इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं। और मस्क का फुल फॉर्म है माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। और इस फंड का एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस वर्क होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। विच पावर कंपनी बिकेम फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस QR कोड फॉर बिल पेमेंट। करेक्ट आंसर इज टाटा पावर। बिल पेमेंट फैसिलिटी में QR कोड को इंट्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट पावर कंपनी बनी है टाटा पावर। और QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। हु इज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल मोटर्स इंडिया। करेक्ट आंसर इज संजीव गुप्ता। जनरल मोटर्स इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संजीव गुप्ता। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान बेस्ड हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2018 में 9,020 करोड़ रुपीस रेस करने के लिए। और ये एडिशनल फंड यूज किया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर में 99 ऑनगोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन इन। करेक्ट आंसर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। खंडोली डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज झारखंड। आपको ध्यान रखना है कि खंडोली डैम झारखंड में है और ये डैम बना हुआ है दामोदर रिवर पर। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। What does the letter D denotes in the abbreviation DNS? Correct answer is
डोमेन, आपको ध्यान रखना है कि डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।